कदमकुआं थाना क्षेत्र के दास लेन में रहने वाले मोहम्मद जुम्मन के बेटे को कुछ दिनों पूर्व कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा फ्री में मीट नहीं देने पर धारदार हथियार से हाथ काट दिया गया था। उसी मामले को संज्ञान में लेते हुए पटना के एसएसपी गरिमा मलिक ने अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। अच्छा पहले वो हम लोग कर लेंगे। कैसे हुआ बेटा ये कैसे हुआ? ये सही बता। आए थे लेते सी मीट लेने के लिए सवा के लिए, तो फिर मांग रहे थे, बोल रहे थे रंगबाजी दिखा रहे, रंगबाजी पापा देने जा रहे थे, तो ये पापा को चार पांच थाप दे दिया। उसके बाद उसे मछली वाले उठा के छोड़ी पापा के बाल पे, कुछ ना हुआ, गला पे मारने जा रहा था। हम पापा को बचाने चक्कर में मेरा हाथ काट दिया। क्या नाम हुआ? ये उसमें FIR रजिस्टर हो गया है और उसमें मैं सेंट्रल SP जो है उनसे मैंने जो है बात की है। स्वयं हम लोग जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी मामले की जो है गंभीरता देखते हुए उसमें एक टीम गठित करके उससे अब हम लोग जो है आगे का कार्रवाई कर रहे हैं।